Hey everyone, what's up? Welcome back to today's video. हम बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर चुके हैं अपना, जिसमें हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे इज़ अ थर्ड लेक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली थी. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के हैं. ओके, हाइड्रोलिसिस के बेसिस में देखेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज मेनली. एंड व्हाट आर दीज थ्री? फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड्स. ओके, सेकेंड वन इज ऑलिगोसेकेराइड एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज दैट इज पॉलीसेकेराइड. ओके, लेट मी राइट पॉलीसेकेराइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. ओके, अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूँ तो मोनोसेकेराइड्स ऐसी टाइप ऑफ शुगर होएंगी जिसको हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो सेम जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगी, वो हमें कुछ भी नहीं देंगी. सो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, वेस्ट ऑफ आर शुगर. ओके, सो मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? दैट इज ग्लूकोज. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड. ओके, ग्लूकोज इज स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर हम उसको तोड़ेंगे, अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर, तो वो हमें एज इट इज ग्लूकोज दे देगा. ओके, वो हमें एज इट इज़ ग्लूकोज देगा, नथिंग, कुछ भी नहीं टूटेगा. इतना छोटी यूनिट है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगी, वो फर्दर हमें कुछ भी नहीं देगी. ग्लूकोज एज इट इज़ ग्लूकोज रहेगा एंड दैट सेकेराइड, दैट शुगर इज मोनोसेकेराइड्स. ओके, जो कुछ भी नहीं देंगे हम उनको, हम मोनो सिंगल, ओके, उसी में ही रहेगा, दैट इज मोनोसेकेराइड्स. गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट, ग्लूकोज के अलावा और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसमें, जैसे फ्रक्टोज रहेगा इसमें. ओके, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. वन मोर मोनोसेकेराइड इज राइबोज. ओके, क्लियर है? वन मोर, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, ऑल दीज आर मोनोसेकेराइड्स, जो हमें, जिनकी हम जितनी भी हाइड्रोलिसिस कर लें वो हमें कुछ भी नहीं देंगी, एज इट इज सेम ही रहेंगी. ओके, क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट में नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऑलिगोसेकेराइड्स में वहाँ आ जाएगा जहाँ पे जो शुगर जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिस शुगर की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वो हमें 2 to 10 यूनिट्स दे, जो हमें हाइड्रोलाइज होके 2 to 10 यूनिट्स दे दे, तो उसको हम कौन सी कैटेगरीज में रखेंगे? ऑलिगोसेकेराइड्स. ओके, सो ऑलिगोसेकेराइड में रखेंगे जहाँ पे 2 to 10 यूनिट्स हमें देगी कोई शुगर, और वो उसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे और वो अगेन फर्दर डिवाइड होके जो हमें अप टू 10 यूनिट्स दे दे, उसको हम ऑलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे. इसको हम और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लेट से अगर कोई सेकेराइड हमें हाइड्रोलिसिस करके आफ्टर वो हमें देती है 2 यूनिट. ओके, उसने हमें 2 यूनिट दिया, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? डायसेकेराइड. ओके, लेट्स सी, अगर 3 यूनिट देगा तो क्या रखेंगे? ट्राइसेकेराइड. उसको कहाँ रखेंगे? ट्राइसेकेराइड्स. लेट्स सी 4 टेट्रा. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें देगी कोई शुगर हाइड्रोलाइज होके, ओके, उसको हम ऑलिगोसेकेराइड में रखेंगे. बट कितने यूनिट? 2 to 10 यूनिट. मेन फोकस करिएगा, 2 to 10 यूनिट्स जब हमें देगी तो उसको हम ऑलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे. ओके, फाइन, गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं.
पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे, नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे 100, 200, बहुत सारे लार्ज अमाउंट, ओके, तो उसको हम रखेंगे पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में. ओके, क्लियर है मेरी बात? अब एग्जाम्पल्स देखें हम इसके, ऑलिगोसेकेराइड्स और इसके एग्जाम्पल देखें हम. ऑलिगोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल आ जाएगा सुक्रोज. ओके, आई टोल्ड यू यस्टरडे, सुक्रोज कौन से, अगर उसको हम तोड़ना चाहें ऑन द हाइड्रोलिसिस, तो वो कहाँ टूटेगा? फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में. और पॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल हम लें, यहाँ पे स्टार्च आ जाएगा, सेल्यूलोस आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे? हमारे पॉलीसेकेराइड्स. ओके, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स, दैट इज सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. यू अंडरस्टैंड? ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स की, देयर आर नंबर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, बट जो वेल नोन मोनोसेकेराइड्स हैं, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज. ओके, क्लियर है? ठीक है, क्लियर. कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं? वेरी फेमस ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज. ओके, अगर इनके मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो इनको कैसे लिखेंगे? जो राइबोज है, अगर राइबोज का, राइबोज फॉर्मूला क्या होगा इसका? दैट इज राइबोज का C5, क्या क्या फॉर्मूला रहेगा राइबोज का? दैट इज C5H10O5. ओके, C5H10O5, क्लियर है? C5H10O5. अब कार्बन 5 है. ओके, लेट्स ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5. ओके, पांच कार्बन हमने बना दिए. कितने हैं? हाइड्रोजन 10 है एंड ऑक्सीजन आर 5. ओके, बट अब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट रहेगा. फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज कीटोन. ओके, फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज कीटोन. ओके, बट जो राइबोज है वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? दैट इज एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड. एक हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया, एक ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया. ओके, दैट इज फॉर्मूला क्या था? C5H10O5. एक हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया, पांच कार्बन तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं. हाइड्रोजन यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज कर लिया. अब फर्दर क्या रहेगा इसमें? नीचे यूनिट आ जाएगी, दैट इज CH2OH. ओके, दैट इज CH2OH. लेट्स ड्रॉ द रेस्ट. ओके, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा H. सो गाइज, दिस इज राइबोज, दैट इज C5H10O5. जहाँ पे हमने डेफिनेशन भी हमारी क्लियर कर ली थी, ये कौन सा था? पॉलीहाइड्रोक्सी. ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट. क्लियर है आपको मेरी बात? अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आ ही गए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये क्या रहेगा हमारे पास? दैट इज राइबोज. ये क्या है हमारे पास? राइबोज. अब ग्लूकोज की मैं बात करूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है, दैट इज C6H12O6. ओके, कार्बन कितने रहेंगे यहाँ पे? 6. लेट्स ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है आपको मेरी बात? अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? CH2OH. ओके, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, OH, H, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H. क्लियर है आपको? थर्ड कार्बन पे फोकस करिएगा, जो OH ग्रुप है दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑन थर्ड कार्बन एटम. अगर हम यहाँ से काउंट करें, दैट इज 1, 2, 3, थर्ड कार्बन एटम पे कहाँ आ जाएगा OH? कहाँ आएगा? दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दिस वन इज आर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या देखा हमने? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा? दैट इज CHO. That is CHO. Clear है? अब आगे डिस्कस करते हैं, that is फ्रक्टोज. ओके, ग्लूकोज का हमने देख लिया, राइबोज का हमने देख लिया. अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज हैव सेम फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6. ओके, सेम.
1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्लियर है। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नीचे में, CH2OH, सेम आएगा CH2OH, क्लियर है आपको मेरी बात। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे रहेगा, दैट इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा यहाँ पे, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा इसमें, कीटोन। ओके, अगर क्लासिफिकेशन का आपको जरा सा भी ध्यान होगा तो हमने फ्रक्टोज को कौन सी कैटेगरी में डिफाइन रखा था उसको, दैट इज जहाँ पे कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप हमने डिवाइड किया था। ओके सेम, अब आगे देखेंगे यहाँ पे कीटोन आ गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, और बाकी सेम रहेगा एज लाइक ग्लूकोज, दैट इज थर्ड कार्बन पे HOH, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, OH, H, क्लियर है आपको मेरी बात। अब ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज फ्रक्टोज। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रक्टोज, क्लियर है आपको। ओके, हमने देख लिया राइबोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वेल नोन आर मोनोसेकेराइड्स, वेल नोन मोनोसेकेराइड्स, क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज नेक्स्ट जो है, दैट इज DLL कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे अब DLL कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हम बोलेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट में डी कॉन्फ़िगरेशन में है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट एल कॉन्फ़िगरेशन में है बेसिक। ओके, DLL कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो नीचे से जब हम चलेंगे, नीचे से जब हम काउंट करेंगे सी इस या ये नीचे वाली यूनिट है, ओके CH2OH, ओके ठीक है, इसके ऊपर वाला कार्बन, जस्ट ऊपर वाला कार्बन OH पोजीशन हम देखेंगे, ओके OH पोजीशन हम देखेंगे, और OH जो है अगर ये वाला OH, दिस वन CH2OH के जो कार्बन है, अगर ये वाला OH अगर राइट साइड में है, ऑन राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको हम बोलेंगे डीकॉन्फ़िगरेशन, उसको हम बोलेंगे डीकॉन्फ़िगरेशन, एंड OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन वी कैन से OH इज देन देयर कार्बोहाइड्रेट इज एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, OH का मेन खेल है यहाँ पे, OH अगर राइट हैंड साइड में हुआ तो क्या होएगा, तो क्या होगा यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो आएगी डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, दैट इज एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्लियर है आपको मेरी बात। अब आगे चलते हैं, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है आपको। अब आगे हमारा मेन फोकस रहेगा ग्लूकोज की प्रेपरेशन का। ओके, कि ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट चलते हैं प्रेपरेशन, नेक्स्ट चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ काइकिंग, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, क्लियर है। अब फर्स्ट मेथड इसमें देखेंगे हम इसमें देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के ही चारों ओर हम तब से घूम रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे ग्लूकोज का प्रेपरेशन हम उसमें देखेंगे और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो उसको वैसे ही क्यों लिखा। ओके, हमें कैसे पता चला कि जो कार्बन है दैट इज इन अलाइन, ओके वो अलाइनमेंट में है, वो हमें कैसे पता चला वो हम फर्दर अभी देखेंगे, नो नीड टू वरी। ओके, सो फर्स्ट मेथड इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड फोकस करिएगा। ओके, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम सुक्रोज। ओके, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम सुक्रोज, और वी कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शू, और वी कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर,
क्लियर है। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज का फ्रॉम सुक्रोज, दैट इज वी कैन ऑल्सो से हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ही तो करेंगे हम, है ना, हाइड्रोलिसिस से ही तो हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर करेंगे, तो व्हाट इज द, पहले तो हमें सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो पहले फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो काहे के हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सुक्रोज का फॉर्मूला, दैट इज सुक्रोज का फॉर्मूला इज, दैट इज C12H22O11, C12H22O11, दैट इज सुक्रोज। अब यहाँ पे फोकस करना आप, अब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो क्या रहेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट वाटर जो होना चाहिए वहाँ पे एसिड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, ओके, एसिड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। तो ये सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में टूटेगा, दैट इज C6H12O6, दो यूनिट हमें देगा C6H12O6, एंड व्हाट आर दीज टू यूनिट्स, व्हाट आर दीज टू यूनिट्स, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके, दीज टू यूनिट्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज की है जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिड, ओके, तो वो दो यूनिट हमें देगा, तो उससे हमें क्या ग्लूकोज मिल गया हमें, दैट इज C6H12O6, बट ये हमें दो यूनिट देगा, दैट इज फ्रक्टोज इज ऑल्सो देयर C6H12O6, क्लियर है। एंड यू विल बी सरप्राइज, अब यहाँ पे अगर हम एक एंजाइम की बात करें हाइड्रोलिसिस के इंस्टेड, यहाँ पे अगर इन्वर्टेज, ओके, इन्वर्टेज इज एंजाइम, इन्वर्टेज, ओके, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में भी अगर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अंडरस्टैंड, ओके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्लियर है आपको मेरी बात, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम सुक्रोज, जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इन्वर्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में भी हमें सेम यूनिट्स मिलेंगी फ्रॉम सुक्रोज, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके, क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा रहेगा, इसमें नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा, दैट इज सेकेंड मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड मेथड क्या आ जाएगा, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, ओके, दैट इज वेल नोन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज फ्रॉम स्टार्च, ओके, फ्रॉम स्टार्च। अब ये क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल मेथड इसको हम बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस लिखिए, ओके, तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे हम इंडस्ट्री में जो प्रेपरेशन करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमें सिंगल मॉलिक्यूल बनाना है, सिंगल हमें चाहिए ग्लूकोज, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज हमें बनाना होता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लियर है गाइज, यहाँ पे हम लेंगे एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ किसकी, काय की, दैट इज स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, ऑब्वियसली पहले तो स्टार्च का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H10O5, C6H10O5, दैट इज नथिंग बट दैट इज स्टार्च, ओके। अब n यूनिट्स हमने स्टार्च की ली हैं, तो n यूनिट्स ही हम किसके लेंगे, वाटर की, n यूनिट्स ही हम किसके लेंगे, वाटर की, एंड एसिड, एंड एसिड, एंड एसिड इसमें कौन सा हो सकता है, एसिड इसमें हो सकता है कौन कौन सा, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ओके, इन दोनों में से आप कोई भी एसिड लेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओके, तो स्टार्च हमें क्या देगा, नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज, बट एसिड का ध्यान रखिएगा, और प्रेशर इसमें कितना अप्लाई करेंगे, 2238 atm, एंड टेम्परेचर कितना रहेगा, 2238 atm प्रेशर रहेगा, एंड टेम्परेचर कितना रहेगा, 243 kelvin, एंड वॉट वी गेट दैट इज n यूनिट्स ऑफ C6H12O6, ओके, ग्लूकोज। स्टार्च से भी हमें क्या मिला, स्टार्च से भी हमें क्या मिला, ग्लूकोज, बट यहाँ पे जब एग्जाम में आप लिखेंगे रिएक्शन तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड का ध्यान रखिएगा, HCl एंड H2SO4, 282 to 380 atm प्रेशर रहेगा इस वाली रिएक्शन में, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रहेगा, दैट इज 343 केल्विन, ओके, दैट इज 343 केल्विन,
क्लियर है? दो मेथड हमने देख लिए, फर्स्ट वन क्या था इसमें, दैट इज फ्रॉम सुक्रोज, एंड सेकेंड वन इज दैट इज फ्रॉम स्टार्च. अंडरस्टैंड गाइस? ओके, सो नेक्स्ट, अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे थे ग्लूकोज का, तब से जो अलाइनमेंट में था, प्रेपरेशन हमने देख ली. अब जो स्ट्रक्चर है वो आया कहाँ से, हमें कैसे पता था, है ना? रात को कोई सपना तो आया नहीं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होगा अलाइनमेंट में. ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने रिसर्च की होगी, एंड व्हाट वी गेट दैट सिंपल सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जहाँ पे कोई हड़बड़ नहीं करनी है हमें, और सिंपल से OH लगाना है, एंड व्हाट वी गेट, हमें साइंटिस्ट ने ईजी वाला स्ट्रक्चर दे दिया ग्लूकोज का. बट हम देखेंगे कि वो आया कहाँ से. ओके, उनको इतनी मशक्कत करने पड़ी तो वो आया कहाँ से, देख लेते हैं एविडेंस. ओके, एविडेंस देख लेते हैं ग्लूकोज के, एविडेंस ऑफ, पूरा लिख देती हूं, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर है? अब फर्स्ट वन इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, इसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, हमें कैसे पता चला कि इस जो ग्लूकोज था दैट कंटेन C6H12O6. ओके, कैसे पता चला हमें कि जो ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, एंड ओ 6 है. हाउ? ओके, माता जैसी तो आई नहीं होगी, ठीक है? तो क्या होगा, C6H12O6 इसमें क्या रहेगा, कैसे, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आया. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, उसको सिंपल से कंबस्ट किया. ओके, आफ्टर कंबस्शन क्या निकलेगा, कंबस्शन जब हम करेंगे तो गैसेस निकलेंगी वहाँ पे, और कौन कौन सी गैसेस थी, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और क्या निकला, वाटर, दैट इज H2O. ओके, ग्लूकोज को कंबस्ट किया, ग्लूकोज लिया, उसको कंबस्ट किया, ओके, उसको हीट किया, तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला. एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जब हमने देखा तो क्या स्ट्रक्चर हमें मिला, दैट इज C6H12O6. इजी, सिंपल से कंबस्शन रिएक्शन की वहां पे, तो क्या मिला हमें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि वहां पे क्या था, CO2 निकला और H2O निकला. एंड व्हाट वी नो दैट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, दैट इज C6H12O6. क्लियर है आपको मेरी बात? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता हमें चल गया, दैट इज C6H12O6, बट सेकेंड रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे इसको, दैट इज कैसे करेंगे, अगर हम रिएक्शन करें ग्लूकोज को हम रिएक्ट करवाएं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो किसी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हो, एंड HI, साथ साथ में अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होती जाएगी इसके साथ. ओके, डू फोकस है, साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, इन स्टेप्स के थ्रू जब हम रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की, तो उसके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ में क्लियर कर लेंगे. सो हेयर हमें एक चीज पता चल गई कि HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. जो CHO है उसको रिड्यूस करके क्या बना देता है, LK. ओके, CHO, जहां पे भी इसको CHO ग्रुप दिख गया तो उसको रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, हमें क्या दे देगा, एल्केन. ओके, क्लियर है आपको मेरी बात? अब इसमें देखेंगे, जब हम ग्लूकोज को हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट करवाया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वन हमने अभी ड्रॉ किया था, दैट इज CHO CH OH 4, सिंपल से लिख देते हैं CH2 OH. ओके, दिस वन इज ग्लूकोज, इसको रिएक्ट करवाएंगे HI, प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे, लंबे टाइम तक हीटिंग करेंगे ग्लूकोज को. ओके, HI के साथ उसको रिड्यूस कराएंगे, देन व्हाट वी गेट, यहाँ पे CHO ग्रुप है, और अभी हमने क्या देखा, रिड्यूसिंग एजेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज HI, जो क्या रिड्यूस कर देगा CHO को, और हमें क्या दे देगा, एल्केन. हमें क्या दे देगा, एल्केन. ओ को हटा देंगे,
ओ को हटा देंगे, जहां जहां ओ हटा देंगे वहां पे एच लगा देंगे, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3, दो हाइड्रोजन देंगे, ओके। ठीक है, ऑब्वियसली दो बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन दो बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा, तो नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसने रिड्यूस किया, CH3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे CH2 4, ओके, एंड यहाँ पे सेम दैट इज CH3, क्लियर है। और ये क्या आ गया हमारे पास, लंबी चेन हमें मिल गई, किसकी, एन हेक्सेन। अब इससे क्या, हेक्सेन, ठीक है। अब इससे क्या हमें पता चला कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, दैट इज इन अलाइनमेंट, दैट इज इन अलाइनमेंट। क्यों, जब हमने, जब एच आई ने इसको रिड्यूस किया तो हमें एक एल्केन मिला, हमें एल्केन मिला, दैट इज हेक्सेन। अगर ये स्ट्रेट चेन में नहीं होता तो कुछ मोड़ा मोड़ा कुछ स्ट्रक्चर मिलता, कुछ भी ऐसे मोड़ा मोड़ा गोल गोल, बट ये हमें मिला दैट इज स्ट्रॉन्ग, सॉरी दैट इज इन स्ट्रेट चेन, दैट इज इन स्ट्रेट चेन, एंड दैट इज हेक्सेन, दैट इज हेक्सेन। इससे हमें क्या पता चला, क्या प्रूव हो गया, क्या एट द एंड कंक्लूड हुआ कि ग्लूकोज इज इन स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज इज इन स्ट्रेट चेन। क्यों, क्योंकि हमने HI के साथ इसको रिड्यूस करवाया, ओके। क्लियर है आपको मेरी बात, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्या देख, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सी, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जब हमने इसको ग्लूकोज को अगेन रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्सिलमीन, सेम फॉर्मूला, CHO CH OH 4 एंड CH2 OH, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज NH2 OH, दैट इज NH2 OH। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे सेम है ना, NH2, ओके, एंड OH, क्लियर है, खोल के लिख दिया और कुछ नहीं था, ठीक है। अब यहां से 2H और यहां से 1 OH, ये आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, एट द एंड हमें क्या मिलेगा, दैट इज सी, फोकस करिएगा, वाटर तो बाहर निकल गया, एंड लेफ्ट CH, ओके, NOH, ओके, CH NOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन को तो अपनी वैलेंसी भी पूरी करनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CH OH 4, नीचे CH2 OH, CH2 OH, और ये हमें क्या मिल गया, दैट इज ऑक्साइन, दैट इज ऑक्साइन, ओके। हमें क्या मिल गया, हमने ग्लूकोज को अगेन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ उसको ट्रीट करवाया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एंड एट द एंड व्हाट वी गेट, दैट इज ऑक्साइन, ओके। इससे भी हमें क्या क्लियर, क्या कंक्लूड हुआ कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज इज इन अलाइनमेंट, ग्लूकोज इज इन अलाइनमेंट, ओके। अब और भी काफी सारे इसमें एविडेंसेस हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके, ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, ओके, हैव फन।